जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 9 मनोहरी की मैथ से हम पढ़ रहे थे। आज हम प्रश्नावली, संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल कौन सा है इसमें। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसमें पहली संख्या दी गई है 1/5। 1/5 देखिए क्या है, 1/5। 1/5 का मतलब 1/5 भाग। अगर आप इसमें इसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। इसका मतलब है कि 1/5 जो है 0 से बड़ा है 1/5, और क्या है, 1 से छोटा है ना। तो हम 0 और 1 के बीच में 1/5 मिलेगा हमें। तो हम एक संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे, जहां मान लीजिए इस तरफ 0 है, यहाँ 0, और इसके बाद 1 0 से लेके 1 तक की संख्याओं को, 1 के बीच में जो जितनी भी होंगे जगह, उसको हम 5 भागों में बांटेंगे ताकि हम इसको 1/5 को दर्शा सकें। चलिए 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ये हाँ एक हो गया, और इसके आगे चलिए यहाँ हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी टूटेगा, संख्याओं का मतलब अलग अलग करेंगे। तो अब देखिए इसमें 1/5 कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पर होगा इसमें से। तो 1/5 इसमें देखिए क्या है कि 1/5 भाग है। तो यहां से अगर करेंगे तो पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो ये संख्या 1/5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मान लीजिए यहाँ बिंदु P है तो यहाँ पर 1/5 दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या हो गई, ये हो गया 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना। अगला है इसमें -2/5। -2/5 इसका मतलब है कि 2/5 भाग। तो चलिए इसको भी ऐसे करके देख लेते हैं। यहां संख्याएं देखिए -2 -1, ठीक। और अब इस 1 को भी तोड़िए इसमें, 1 2 3 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरफ चलेंगे तो संख्याएं हमें प्लस में मिलेंगी ऐसे। अब बताइए इसमें -2/5 कहाँ होगा। तो 0 से लेके 1 तक के बीच की संख्याओं को 5 भागों में बांटा गया है, और दूसरे भाग पर यहाँ पर होगा -2/5। -2/5 यहाँ पर होगा, बिंदु मान लीजिए यहाँ P है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तीसरा सवाल चलिए देखते हैं इसमें। इसी में देखिए तीसरा है 3 सही 2/7। इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा होगा। तो चलिए संख्या को हम दर्शा देते हैं। तो यहां मान लीजिए 0 1 2 3 और यहां 4 हो गया। अब 3 सही, अब देखिए 3 से 4 के बीच में जो संख्या है, 3 से 4 के बीच का ये जो भाग है, इसको हम क्या करेंगे, 7 भागों में बांटेंगे। और इसमें दूसरे वाले भाग पर ये संख्या निरूपित है 3 सही 2/5। तो हम चलिए 1 2 3 4 5, चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 6, और ये यहाँ हो गया 4। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर देखिए इसमें 3 सही 2/7 कहां पर होगा, तो 3 से तो ज्यादा है, ये आपको क्लियर है। फिर कहां है, दूसरे वाले नंबर पर, मतलब यहां पर होगा। चलिए बिंदु P मान लेते, तो यहां पर होगा 3 सही, यहां पर, यहाँ 3 सही 2/7 यहां पर होगा, दूसरे वाले बिंदु पर, ठीक। अगला देखते हैं लास्ट, इसमें पहले वाले में 8/3।
आठ बटा तीन को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगर हम इसको सही बटे में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, दो तीन छह और दो बटा तीन, यानी कि दो तीन छह, छह दो आठ, आठ बटा तीन, यानी दो सही दो बटा तीन, ठीक है ना। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसका मतलब है कि दो से ज्यादा है। चलिए यहाँ जीरो हो गया, एक यहाँ दो और यहाँ तीन हो गया। अब दो और तीन के वाले भाग को हम तीन भागों में बांटेंगे क्योंकि ये तीन भाग दिख रहा है यहाँ, तो एक हो गया एक दो हो गया। अब बताइए यहाँ पर कहाँ होगा ये संख्या, दो सही दो बटा तीन, तो एक ये हो गया दूसरा यहाँ, तो बिंदु P पर यहाँ पर होगा ये संख्या। चलिए मान लेते हैं यहाँ बिंदु P है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो सही दो बटा तीन यहाँ पर निरूपित होगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के सवाल को देखें। आगे देखिए, इसमें दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो पहले आप समझिए कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या, कोई पूर्णांक है या कोई परिमेय संख्या, माना कोई परिमेय संख्या संख्या P बटा Q के रूप में है, ठीक है ना। कोई संख्या मान लीजिए P बटा Q के रूप में है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, और Q क्या होना चाहिए, Q बराबर होना चाहिए दो के घाते यम इंटू पांच के घाते यन के रूप में, और जहां यम और यन क्या है, यम और यन क्या है, जीरो एक दो तीन डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये यम और यन एक पूर्ण संख्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके बटे में जो संख्या है, जैसे मान लीजिए दो बटा, चलिए कोई संख्या मान लेते हैं, चलिए बीस लिख लेते हैं, दो बटा बीस, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हमें क्या देखना है कि इसका जो हर है, ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये जो हर है इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करें इसका, तो जो आना चाहिए वो p मतलब कि दो के घात में और पांच के घात में आना चाहिए। अगर दो के घात में है, जो इसका गुणनखंड करने पर मिलेगा हमें, दो के घात में है तो भी शांत होगा दशमलव प्रसार, पांच के घात में है तो भी शांत होगा, दोनों के घात में है तो भी शांत होगा, इसके अलावा अगर कोई संख्या है तब वह अशांत होगा, ठीक है ना। आइए करके देखते हैं इसका, अगर 20 को हम तोड़ेंगे ऐसे, तो दो दहा में 20 और दो से तोड़ेंगे पांच, फिर पांच से तोड़ेंगे एक, यानी इसको हम दो बटा 20 को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो गुणे पांच लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, दो बटा दो के घाते में दो और गुणे पांच के घाते में एक लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो है इसका हर दो के घाते यम इंटू पांच के घाते यन के रूप में मिला कि नहीं मिला, मिला, अतः दो बटा बीस का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। आप ऐसे भी करके देख लीजिए कैसे होगा शांत, तो दो में आपको क्या किससे भाग देना, बीस से भाग देना, तो कितनी बार लेके जाएंगे आप जीरो बार लेके जाएंगे, जीरो से गुणा होगा तो आएगा जीरो, इसमें से घटेगा तो दो, दशमलव लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ेगा, बीस एक का बीस, इसमें से घटा जीरो, तो मतलब जिसका भागफल हमें एक निश्चित संख्या तक मिले, यानी कि कट गया पूरा पूरा, हमें पॉइंट में नंबर मिल गया ये इसका भागफल, तो ये क्या है, शांत है दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। आइए अब हम सवालों को हल करें। पहला है एक बटा बीस, इसी में है पहला एक बटा बीस, यह पूछ रहा है कि क्या एक बटा बीस का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे तोड़ेंगे इसको, एक बटा बीस को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो गुणे पांच, दो दूना चार पच्चीस बीस,
या एक बटा 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसके घाते में एक है, इसके घाते में एक है, दोनों का आधार समान, घात से घात जुड़ेगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 की घाते 2 और गुणे 5 की घाते 1। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः एक सही 1/20, 1/20, अतः 1/20 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। शांत कैसे होगा आप करके देख लीजिए, 1/20 का मतलब 1 में आपको 20 से भाग देना है, तो 20 से भाग देंगे 0 बार जाएगा, इसमें घटेगा तो 1, दशमलव लगाइए 0 बढ़ेगा, फिर क्या करेंगे 0 बार लेके जाएंगे, फिर आ जाएगा 0 0, घटेगा तो 10, दशमलव लग गया, 1 0 बढ़ेगा, 20 5 100 कट गया ना, तो ये क्या हो है दशमलव प्रसार, ये शांत है, नहीं कटता, संख्या बार बार आती रहती तो अशांत होता, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे एक सवाल को देखें। इसी में दूसरा क्या है इसका, दूसरे का दूसरा सवाल, 1/27, 1/27, अगर हम 27 को तोड़ के देखें तो क्या मिलेगा हमें, 3 से टूटेगा, 3 9 27, 3 से 3 और 3 से 1, तो क्या ये हमें 2 की घाते 5, 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप में मिल रहा है, 3 के घाते 3 मिल रहा है ना। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 1/27 का दशमलव प्रसार प्रसार अशांत होगा, ठीक। आप तोड़ के अगर देखेंगे, 1 में 27 से भाग देंगे तो संख्या बार बार आती रहेगी, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, तो अतः ये क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, 3/5, हमने कहा था कि जो हर होना चाहिए 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ और कहे थे कि अगर 2 के घाते n के रूप में है सिर्फ तो भी शांत होगा, 5 के घाते m के रूप में है तो भी शांत होगा, या दोनों के घात में तो भी शांत होगा, लेकिन कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ क्या है, 2 नहीं है लेकिन 5 है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ लिख सकते हैं 3/5 की घाते 1, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 2/5 का 3, 3/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। इसी में लास्ट क्वेश्चन देखें, 1/15, चौथा नंबर, 1/15, 1/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अगर हम इसको तोड़े तो 1/3 × 5 लिख सकते हैं, यानी 1/3 के घाते में 1 × 5 के घाते में 1, हमने कहा था कि 2 के घात में या 5 के घात में होना चाहिए, और किसी संख्या के घात में होगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः 1/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक। चलिए इसके आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप अगर प्रश्नावली 1 भी नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए और उसको बहुत अच्छे से समझिए और हल कीजिए, आगे के सवालों को अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।